से यहाँ पे है और यूँ लगाया? लगभग 10 साल से ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, बल्कि 10 साल से भी थोड़ा बहुत समय ज्यादा हो गया होगा। यहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग आज 95% है, हिंदुओं की आबादी यहाँ केवल 5% है। और ये जो मंदिर है, आसपास के सारे गांवों की कुल देवी का मंदिर है, भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से ये मंदिर एक है। तो यहाँ हमारी बहन बेटियां आती हैं पूरे क्षेत्र से, और उनका शिकार करने के लिए मुस्लिम गुंडे आते हैं। मुस्लिम गुंडे, आप शब्द पर जरा ध्यान दीजिए। और एक मैं एक जनरल बात बताता हूँ आपको, अगर किसी हिंदू का बेटा किसी लड़की को छेड़ता है और उसके बाप तक जब ये शिकायत जाती है, तो उसका बाप डांटता है अपने बेटे को और कहता है कि भाई इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुसलमानों के पहले गुंडे लड़की छेड़ने आते थे, अगर हम उन्हें रोकते थे तो चारों तरफ से मुसलमान इकट्ठे होकर यहाँ हमसे लड़ने आते थे, जिसे बूढ़े बूढ़े मुसलमान भी होते थे। उनसे परेशान होकर हमने यहाँ ये बोर्ड लगवाया कि मुसलमानों का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है। तो ये जो बच्चे की बात आ रही है, तो ये बच्चे का कहना है कि वो पानी पीने, उसको लेकिन पानी पीने, देखिए पानी पीने वो बाहर अंदर क्यों आया, जबकि गेट पे नल है। आप देख लो, सड़क पार करते ही नल है, इधर नल है, इतनी दूर से जरा सा दूर चलता इधर नल है, और उधर चलता तो फिर उधर ये सामाजिक वो है, जो ये जो पंचायत घर है इसमें नल है, उसे मंदिर ही क्यों दिखाई दिया, जबकि मंदिर में बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। उसका कहना है कि उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती। तो क्यों नहीं आती उसे पढ़ाई लिखाई? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इतने बड़े बड़े 14-14, 15-15 साल के, उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, तो वे क्यों पैदा हो रहे हैं ये बताओ ना। वो केवल चोरी डकैती और लूटमार, इस मंदिर में 4 बार डकैती पड़ी, मेरे महंत रहते रहते 4 बार डकैती पड़ी, आप लोग इंटरव्यू देने कभी नहीं आए। और यहाँ मुझसे पहले जितने महंत बने, या तो वो मार दिए गए या पीट के भगा दिए गए, ये इस मंदिर का इतिहास है, आप लोगों ने कभी उस चीज को नहीं दिखाया। आज एक हम लोग यहाँ पे किसी भी मुसलमान को इस मंदिर में नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है मुसलमान जो यहाँ आता है, मैंने आज सारे मुसलमानों को चुनौती दी, सारे मुसलमानों को मैंने आमंत्रित किया है, दुनिया के सारे मुसलमान यहाँ आए, मेरी माँ की जो शास्त्रीय सनातन विधि है माँ की और महादेव की, उससे पूजा करें, मैं उनका सबका स्वागत कर रहा हूँ। और अगर वो ये चाहते हैं कि ठीक है नहीं हम तो अपनी पूजा से, तो पहले मुझे अपनी मस्जिद में आमंत्रित करें, मैं उनकी मस्जिद में जाकर हवन यज्ञ करता हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं उन्हें अपने मंदिर में आमंत्रित करता हूँ। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मेरी बेटियों का शिकार करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा, नहीं होगा। अगर वो चाहते हैं कि देव प्रतिमाओं को अपमानित करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा। और अगर वो सोचते हैं कि मेरी रेकी करके मुझे मार देंगे, ये भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये भी। तो ये सारी चीजें हैं, हम 24 घंटे जान के खतरे में रहते हैं। यहाँ PFI हमारा कत्ल करना चाहती है, यहाँ OBCP पार्टी के लोग हमारा कत्ल करना चाहते हैं, हमारी 20 FIR है। हमारे यहाँ पंचायत करके मुसलमानों ने यह कहा था कि कुछ भी करके इसे मार दो, और जब मुझे नहीं मार पाए तो उन्होंने डॉक्टर BS तोमर को मारा, पूरी दुनिया के सामने CCTV कैमरे के सामने आया, सामने मारा। मैंने क्विंट को कभी इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते नहीं देखा। तो मुझे बड़ा दुख होता है जबकि आप झूठी घटनाओं को लेकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए मंदिरों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सच्ची घटनाएं होती है उन पर कभी ध्यान नहीं देते। ये झूठी घटना कैसे है? झूठी घटना कैसे नहीं है ये? झूठी घटना आपने, उसने कहते हर चोर पिटने के बाद यही कहता है कि मैं इस काम के लिए आया था। हमारे बच्चों ने उसे मारा है, क्योंकि हमारे बच्चे आने वाले हर मुसलमान को सच्ची निगाह से देखते हैं। हमें इस मंदिर में पत्रकार भी मुसलमान नहीं चाहिए, सरकारी अधिकारी भी मुसलमान नहीं, हमें कोई मुसलमान इस मंदिर के अंदर किसी कीमत पर नहीं चाहिए। और ये सारे प्रशासन शासन को पता है, ये सारे पत्रकारों को पता है, ये दासने के एक एक बच्चे को पता है कि इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो आप ऐसे नहीं आ सकते, क्योंकि हम उनसे डरे हुए हैं, भयभीत हैं। और ये जो बंदूकें इतनी सारी दिखाई दे रही है ना, केवल मुसलमानों के डर से है इतनी बंदूकें, हमें बंदूकों का शौक नहीं है। हमें एक एक पैसा भीख पे लाना पड़ता है, हमें 15-15 बॉडीगार्ड रखने पड़ रहे हैं, 15-15 शार्प शूटर रखने पड़ रहे हैं, केवल इसलिए कि ये हमारा कत्ल करना चाहते हैं। पिछली साल यहां का विधायक असलम चौधरी, उसके बेटे को पीटा था हमने, लड़की छेड़ रहा था यहां पे घुस के मंदिर में, तब तो क्विंट ने नहीं करा ना वायर ने, वो भी तो नाबालिग ही था, वो भी तो नाबालिग था, हमने पीटा था, CCTV कैमरे की घटना थी, पुलिस में दबाव डलवा के ये घटना वापिस करवाई। ये मंदिर हमारी प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक नहीं है, ये सनातन धर्म के मानने वालों का मंदिर है, हमारा मंदिर है ये। सर जी, जो दोनों को जिनको अरेस्ट किया गया है, ये इस मंदिर में कब से सेवक? मेरे शिष्य हैं, उससे आपका कोई मतलब नहीं, मेरे शिष्य हैं, ये नहीं कि कितने दिनों से हैं, मेरे यहाँ चाहे कोई एक दिन से आए चाहे 1000 दिन से आए, मेरे लोग हैं, मेरे शिष्य हैं। इनकी मदद कर रहे हैं आप लोग? मदद कर रहे हैं, मेरे बच्चे हैं भाई, मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। पुलिस ने झूठ बोल के मेरे बच्चे यहाँ से उठाए हैं, मैं पुलिस से पूरे अपने और सन्यासी को, निर्दोष सन्यासी को उठाया जिसका कोई मतलब नहीं था इस मामले से।
पूरी लड़ाई लड़ूंगा पुलिस के खिलाफ भी, और जो भी सामने आएगा लड़ूंगा, अपने मंदिर के सम्मान के लिए, अपने मंदिर के अस्तित्व के लिए, अपने धर्म के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ये क्विंट और वायर जैसे जो ये चैनल है ना आपका चैनल, ये बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं एक एक चीज को, और हम लड़ेंगे, लड़ने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अभी फेसबुक पे आपके शिष्य है, आपके फॉलोअर्स है, अभी फेसबुक पे मनीष त्यागी और एक और राम मैंने आपको दिया है, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को एक साथ आने के लिए यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए, तो ये ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। हमें ये सारी बातें रखनी पड़ेंगी ना कि मीडिया के फर्जी लोग जो विदेश से फंडेड है, जो मुसलमानों से फंडेड है, जो जिहादियों से फंडेड है, वो बिना मतलब इस मंदिर को टारगेट कर रहे हैं, बिना मतलब इस मंदिर को टारगेट कर रहे हैं। अरे हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं जा रहे, हम तुम्हारी लड़कियों को छेड़ने नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारा क्या अधिकार है हमारे मंदिरों में आने का? कोई अधिकार नहीं है। और आना चाहते हो तो ठीक है ना, बराबरी पे आओ, तुम हमें बुलाओ, हम तुम्हारे पास जाते हैं, तुम आओ ना हमारे यहां, माँ की पूजा करवाते हैं, महादेव की पूजा करवाते हैं, हमें बुलाओ, हम जाके वहां पर पूजा करके आते हैं। यहां बेटियों को छेड़ने के लिए नहीं आने दूंगा मैं किसी को, कोई चांस नहीं है इसका। ये बच्चा जो आया था, बच्चा नहीं था वो, बच्चा नहीं था वो, ऐसे ही लोगों ने यहां डॉक्टर बी एस तोमर को मारा है, नाबालिग लोगों ने, नाबालिग लोग हत्या करते हैं यहां पे, और ये इस्लाम के जिहादी उन्हें सिखा रहे हैं, ये बच्चा बच्चा मत करिए यहां पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।